हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। मेजर लीग सॉकर का एक मैच हो रहा है, न्यूयॉर्क सिटी वर्सेस न्यूयॉर्क रेड बुल्स के बीच 4 बजे। मेरे हिसाब से तो एक सिटी का मैच है भाई, बस फ़र्क इतना है कि फ़ैन फॉलोइंग का फ़र्क है। कई लोग न्यूयॉर्क की सिटी को फेवर करते होंगे, कई लोग रेड बुल्स को, तो मज़ा आएगा। तो ये एक नॉकआउट मैच है, जो आज टीम बाहर हो जाएगी। आज एक टीम जो मेजर लीग सॉकर की ये जो है ये मैच, ये आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स हैं, इसके बाद सेमीज में टीम जाएगी, उसके बाद फाइनल आई थिंक होगा, ऐसा ही कुछ था शायद, पता नहीं यार, शायद क्वार्टर है कि सेमी, मेरे को इतना कन्फ्यूज़न है थोड़ा। बट इतना है कि पिछले नॉकआउट में दोनों टीमें आगे बढ़ गई और आज भी एक नॉकआउट मैच खेलेंगी। और इन दोनों टीम्स के बीच एक लीग स्टेज का मैच हुआ था, वो शुरू में हुआ था, और वो हुआ था अभी हाल ही में 1.5-2 महीने पहले, तो सेप्टेम्बर में, जिसमें सिटी ने कर दिए थे, न्यूयॉर्क सिटी ने 5 गोल, रेड बुल्स ने 1 गोल। तो ये रिकॉर्ड ज़रूर आपके काम आएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट करिए क्लिक लिंक पर और हो जाइए ज्वाइन। हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो सीधा हम लोग चलेंगे भाई स्ट्राइकिंग की ओर। तो स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर, जैसे कि आपको पता है कि ये बहुत ही, मतलब एज़ यूजुअल मैच है, मतलब मैंने बहुत पहले इन दोनों टीम्स के मैच कवर किए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो एल मॉर्गन की, देखिए एल मॉर्गन और वेंजियर इस वक्त न्यूयॉर्क रेडबुल्स जो नॉकआउट तक पहुँची है, उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहूँगा कि इन दोनों टीमों ने हर टीम को गोल करके दिखाया, इन्होंने इंटर मियामी को नहीं बख्शा, इन्होंने हर बड़ी टीम जो मेजर लीग सॉकर की बड़ी टीम है उनके आगे अच्छा किया। तो मतलब मेरी नज़र में इतनी रिस्पेक्ट है ना इन दोनों के लिए, आज मैं सिलेक्शन ना देखता हुआ टीम यहाँ पर इसको ले लिया है। क्यों? क्योंकि लोग वॉल्फ के साथ जा रहे हैं और मुझे पता है वॉल्फ को छोड़ना या तो बहुत अच्छा डिसीज़न होगा या बहुत बुरा, और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ, इसलिए मैं वॉल्फ को क्लियरली छोड़ने वाला हूँ और मैं लेने वाला हूँ मार्टिनेज। क्योंकि मार्टिनेज ने न्यूयॉर्क जो सामने टीम है, जो आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क रेड बुल्स, उनके अगेंस्ट पिछले मैच में भी किए थे 2 गोल, 2 या पता नहीं 1 गोल, तो मार्टिनेज का होना ही बहुत है। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए इनकी टीम में एक तो आ जाता है सेंटियागो रोड्रिग्यूज, जिसको आगे बढ़कर स्ट्राइकिंग की बहुत आदत है, इसलिए ये तो हो गया इनका बहुत कॉमन प्लेयर, बहुत कॉमन। उसके बाद के पार्क्स और सैंड्स करते हैं मिडल मिडफील्डिंग, जो कि बहुत दूर है, इनका गोल आना मतलब ऐसा है कि 10 में से कभी 1 बार। उसके जगह पर इन्होंने मॉरेल्स को जगह दी, देन मॉरेल्स ने बीच में कहीं बार अच्छा करने की कोशिश करी, लेकिन वही है ना कि लास्ट में आकर फ़ायदा कौन ले गया? पार्क्स एंड सैंड्स। इसलिए मिडल मिडफील्डर को अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको पार्क्स पहले मैं हमेशा लेता था, लेकिन आज मैं आपको सैंड्स की राय दूंगा, क्योंकि सैंड्स ने 21 सितंबर को गोल किया था मियामी को, मियामी इंटर मियामी, उसके बाद 29 जून को ऑरलैंडो के अगेंस्ट असिस्ट। तो थोड़ा बहुत प्रदर्शन में फ़र्क मुझे लास्ट सीज़न से दिखा है, सो मैं सैंड्स के साथ जाऊँगा और सिलेक्शन भी कम है, फ़ायदा है। उसके बाद आगे बात करें देन ई फोर्सबर्ग, जो कि पेनल्टी टेकर है न्यूयॉर्क रेडबुल्स का, सो छोड़ना बहुत गलत हो जाएगा, अगर आप इसे छोड़ दोगे तो आपको दिक्कत आएगी। और द नेक्स्ट प्लेयर जो हमारा है वो होगा विक्लम कैरमोना, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा मन तो था मैं हार्पर के साथ जाऊँ, लेकिन मेरे को पता नहीं ना हार्पर प्लेइंग 11 में आएगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों बहुत कम भेजा है उसको। और डिफेंडिंग की अगर बात करें तो देखिए दोनों तरफ से प्लेयर तो आपने अच्छे खासे ले ही लिए, लेकिन डिफेंडिंग में भी आप ना डबल साइड जा सकते हो। तो मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले ना न्यूयॉर्क एफसी जो टीम है उनका एक, ये जो आप देख रहे हैं एक प्लेयर है इनका, बड़ा ना सिलेक्शन आपको हाई दिखेगी, केविन ओटूल। तो कई लोग ना इसको कॉनर ओटूल के बेखावे में ले लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये उतना दमदार नहीं है। तो आप ना न्यूयॉर्क रेडबुल्स की डिफेंडिंग में थोड़ा जोर दे सकते हो, मतलब उनका भी एक प्लेयर पक्का लो। मैं तो आपको कहूँगा निलिस के साथ जाओ, निलिस के बाद मैं लूँगा टी ग्रे, जो कि न्यूयॉर्क सिटी एफ सी का मेरा फेवरेट प्लेयर है। सेकेंड वन इज़ टी मार्टिन्स, क्योंकि मैं के ओटूल के साथ नहीं जा रहा, आई वॉन्ट टू टेक रिस्क। और गोल कीपिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए डबल साइड हमारी टीम है, तो अगर मैं किसी का भी प्लेयर छाटूँ शायद आपको बुरा नहीं लगे, तो मैं आई एम गोइंग विथ कॉर्नल। और बात करें कप्तान की तो मेरा कैप्टन जो है वो है ए मार्टिनेस, और जो मेरा वाइस कैप्टन है वो है एल मॉर्गन। दिस इज़ माय टीम। मुझे पता है लोगों का मन है रोड्रिगेज़ को रखने का है कैप्टन, तो आप रख सकते हो बिना डरे बिना खौफ के, मैं आपको कह रहा हूँ, आप बदलना चाहो बदल सकते हो, वो आपकी इच्छा अनुसार आप बदल बिल्कुल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।